الرحيم. جي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. جلي لي زندگی مل گئی، اب تین نور سے روشنی مل گئی. سبحان الله. تن تن جلی ملی زندگی مل گئی، آپ کی نور سے روشنی مل گئی. ماشي. ماہی کا ملنے کہا مرحبا مرحبا، ماہی کا ملنے کہا مرحبا مرحبا، آپ کی آمان کلیاں پھر اسے کھل گئی. ماہی کا ملنے کہا مرحبا مرحبا، آپ کی آمان کلیاں پھر اسے کھل گئی. مبارک مبارک رب الاول مبارک، تا قیامت تک سلامتی مل گئی. مبارک مبارک رب الاول مبارک، تا قیامت تک سلامتی مل گئی. آپ ہی ہے سہارا قیامت تک، آپ ہی ہے سہارا قیامت تک، اور اس کے بعد بھی وہاں حفاظت مل گئی. آپ ہی ہے سہارا قیامت تلک، اور اس کے بعد بھی وہاں حفاظت مل گئی. ہر بری گھڑی ٹل ہی جائے گی جب درندوں کی مالا ہر سانس مل گئی. واہ ہر بری گھڑی ٹل ہی جائے گی جب درندوں کی مالا ہر سانس مل گئی. سبحان کون کہتا ہے آپ کا سایہ نم تھا، کون کہتا ہے آپ کا سایہ نم تھا، آپ کے سائے میں ہر خوشی مل گئی. کون کہتا ہے آپ کا سایہ نم تھا، آپ کے سائے میں ہر خوشی مل گئی. جن پنا بھی شکر کروں کم ہے دیبا، ہے میری خوش نصیبی مانتا آپ کی مل گئی. جتنا بھی شکر کروں کم ہے دیبا، ہے میری خوش نصیبی مانتا آپ کی مل گئی. تم جلی ملی زندگی مل گئی، آپ کے نور سے روشنی مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً یہ جو کلام ہے، یہ جو نعت ہوتی ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب اس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ آپ دنیا میں ہیں جی یا کہاں پر ہیں، کیونکہ اس کا ایک کنیکشن ہے نا. نعت اصل میں ایک تو پڑھنا
दूसरा जो अल्फाजों का जो आपने चुनाव किया है, वो जो कनेक्शन है ना जी जी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों का एक दिल का कनेक्शन है, एक रूह का कनेक्शन है, वो कनेक्ट हो जाता है और इंसान फिर उस तरफ उसका जहन चला जाता है कि शायद वो उस फ़ाओं में है, मदीने की फ़ाओं में है, मदीने की गलियों में है या नबी के रोज़े के करीब है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कलाम है आपका और यकीनन बहुत सारे शायर हजरात हैं और बहुत सारे शायर ने ना सिर्फ हमद लिखी है, नात लिखी है, लेकिन चूँकि आप काम ही ज़्यादातर नातों पर और हमद पर कर रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तो आपका पैशन है या आपका शौक़ है कि आप ये कर रही हैं, इसके अलावा आपने ज़िंदगी में क्या सोचा था कि अगर आप शायरा ना होती, सिंगर ना होती तो फिर क्या होती? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंगर तो खैर मैं नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं शायरा अपने आप को जरूर मानती हूँ। लेकिन ये है कि ये तो एक कहते हैं ना कि सिंगिंग हो या शायरी हो तो गॉड गिफ्टेड है। मैं बेसिकली ग्राउंड आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, अच्छा मैट्रिक के बाद, लेकिन मैं जिस फैमिली से हूँ तो माँ का कंसर्न ये है कि लड़कियां पढ़े लिखे और अपने घरों की हो। अच्छा, तो वैसे मेरा जो पैशन था वो ग्राउंड आर्मी ज्वाइन करने का था, लेकिन आजकल की बच्ची आई हुई है ग्राउंड आर्मी में, 18 साल, 20 साल, 22 साल को देखे और सुन के मुझे बहुत फील होता है कि बच्चियां आ रही हैं अब इस फील्ड में भी। सही 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 जी, बिल्कुल आना चाहिए, चूंकि देखिये बात यह है कि आपका शौक, आपका पैशन ही आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाता है और आपको कामयाब करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। आपने आर्मी आपके जहन में था, बहुत से लोग पायलट बनना चाहते हैं, बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं बारहा लोगों से एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आपका जो पैशन है, आपका जो शौक़ है, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक अच्छे इंसान ज़रूर बनिए, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो जिसकी कमी है दुनिया के अंदर भी, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, कि इंसानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। क्या कहेंगी इसे आप इस पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेसिकली हम जिस नबी की उमंग थे जी, उन्होंने हमेशा इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे फोकस किया जी जी, और इवन उन्होंने तो ये तक फरमाया कि अखलाक इबादत के बराबर है। सही, जितनी वैल्यू, जितनी इम्पोर्टेंस हमारे रिलीजन में इबादत की है, उसके इक्वल कर दिया आपने एथिक्स को, अखलाक को। सही बात, लेकिन हम मुसलमानों के उससे दूर हैं। आपने यूं तक फरमाया अपने खुद हाजरतुल विदा में जी जी, जो खुद खाओ वो अपने मुलाजमों को खिलाओ जी हाँ, जो पहनो वही अपने मुलाजमों को पहनाओ, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फाक नहीं है, हाँ अगर कोई चीज है तो वो तकवा और परहेजगारी है। सही, लेकिन मैं ये कहूंगी ना कि हम मुसलमानों में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। हर तीसरे चौथे घर में मेहमान आपके घर आया, मेहमान भूखा है, मेजबान ये नहीं पूछता खाना खाइए, बैठिए, लंच कीजिए, वो सिर्फ पानी पिए डर खाएगा। सही, नेबर्स के लिए आपने फरमाया कि 40 पड़ोसी हैं आपके और उनके बारे में आपसे पूछ गछ होगी जी हाँ, और साबे करम घबरा गए क्योंकि आप अपने पड़ोसी के हुकूक बहुत बयान करते थे, तो साबे करम को ये डर हुआ कहीं अल्लाह के रसूल उनको जायदाद में भी हिस्सेदार ना बनाए। सही सही, हमें यह नहीं मालूम, मुझ समीत मैं अपनी भी बात करती हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे बराबर में जो नेबर है बेचारी किस साल में होंगे। सही बात, मैं खुद को शामिल कर रही हूँ। तो इन चीजों से ना हम बहुत दूर हो गए, हमने हमारा जो रिलीजन है हमने बस नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए और ठीक है साहिब ऐसे हुए तो हाँ जुमरा कर लिया, हम समझते हमने अपने फराइज हमने पूरे कर दिए। सही, नहीं, इस्लाम ये इस्लाम की ABC है, अभी जेड तक इस्लाम कहाँ है आप सोच भी नहीं सकते। सही सही सही, बिल्कुल जी, अपने बिल्कुल जी हाँ, आप गरीब तालिब की फीस पे कर दें, लिख दी गई आपके साहिबे आप कर दें,
आप किसी गरीब की बच्ची की शादी करा, उसके घर पर रखे।